अध्याय 24। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की और स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से किलियुपास नाम के व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, महायाचकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसकी लोथ ना पाई तो ये कहते हुए आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए और उन 11
और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्क की बातें उन्हें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझमें देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।